एक दो सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि मैं अपना रैंक किवें चैक कर सकता हाँ जां मैरिट लिस्ट कदों आएगी। मैरिट लिस्ट बारे क्लीयर बेशक ये वीडियो भी ना देखो, ये डेट पढ़ लो, 19 अगस्त 2023 सैटरडे नू मैरिट लिस्ट जो है डिस्प्ले हो जाएगी। मैरिट लिस्ट जो पिछली मेरे को 2022 दी पई है देख सकते हो, इहदे विच तुहाडा सीरियल नंबर, एप्लीकेशन आई डी, कैंडीडेट नेम, फादर नेम, रेजिडेंस, कैटेगरी, जेंडर, मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट। ये मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट है, जिवें पिछली बार 127 हाईएस्ट गए ने, लेकिन ये सैकेंड काउंसलिंग दी है। इट मीनस कुछ बच्चे जिहड़े ने फस्ट काउंसलिंग च निकल चुके ने। रूरल एरिया दे मार्क्स है 1%, इट मीन 1.5 क्योंकि 150 विचों पेपर सी। टोटल मार्क्स इत्थे आणगे, ये टोटल मार्क्स के नाल मैरिट लिस्ट तुहाडी बनती है। बाकी ग्रैजुएशन चो परसेंटेज ते डेट ऑफ बर्थ दो इसलिए रखियां जांदियां हन कि जे दो टाई कर जान। फॉर एग्जाम्पल इत्थे इहनूं वड्डा करके दसदा, ए रिहा, इसनूं वड्डा करके दस रहा है, ए स्टूडेंट है जिसके 109 109 109 स्कोर हैं, है ना। लेकिन ग्रैजुएशन विच्चों इना दे स्कोर ज़्यादा हैं और इना दे घट हैं, ठीक। सो जेकर टाई हो जाए उसनों तोड़न लई ग्रैजुएशन दे मार्क्स जां अडिशनली डेट ऑफ बर्थ तुहाडी एज काउंट की जाती है। सो ये तुहाडी मैरिट लिस्ट जां आने वाली ही है, इस विच कोई वो नहीं है, सब कुछ क्लीयर हो जाएगा, ज़्यादा चिंता ना करो। जो डिसीजन मेजर लैने हैं कि सबजैक्ट कॉलेज किहड़ा चॉइस फिलिंग जो है तुहाडा माइनर सबजैक्ट उत्थे है नहीं है, ये वाली चीज़ा राजे देख लो। मैनू हुणे एक कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज तो एक स्टूडेंट का फोन आया जिस विच उसने रोंग चॉइस फिल कर ली। उन्होंने पूछा कि सर की मैं गवर्नमेंट जॉब लिए एलिजिबल हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज चो कर रहे ने ते वो साइंस ली पूछ रहे सी। मैं कहा तुसी, उन्होंने इंग्लिश ले लिया सी, इंग्लिश उन्होंने पढ़ी नहीं है ग्रेजुएशन विच, इलेक्टिव 3 साल और उन्होंने सब्जेक्ट इंग्लिश ले लिया, जबकि साइंस उन्होंने दोनों साइंस फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री पढ़ी सी, साइंस लिए एलिजिबल सी, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज विच वो ले लिया। हुण वो एलिजिबल नहीं, अज उन्होंने पता लगा है, 1 साल बीत चुका है। और हैरानी वाली गल है, उन्होंने TET भी क्लीयर है, CTET भी क्लीयर है, PTET भी क्लीयर है। सो पर उन्होंने अडिशनल पेपर देने लिए BA का भी देना पेगा, जे साइंस ले एलिजिबल होना BEd का भी देना पेगा। सो अजिही गाइडेंस तो बचने लिए क्लीयरली फीस नूं प्रैफर करना है जां टाइम नूं प्रैफर करना है, दूसरे पासे टाइम बचता है। हाँ, अडिशनल जो पेपर देना है तुसी उसकी भी फीस लगनी है अलग, तो उसते वीडियो बना देवांगा। मिनिमम BEd का अडिशनल पेपर देने लिए मेरे ख्याल च 15,000 के करीब खर्चा आ जाता, यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी वेरी करता है, मैं वक्री वीडियो बना देंगा। पर प्लीज़ ये सोच के डिसीजन लेना है कि मैं टाइम बचाना है, फीस बचानी है, जां दूरी बचानी है, जां मैं जॉब लिए एलिजिबल बनना है। थैंक यू।